काहे कितना सुंदर देख रहा है, बहुत मेकअप डाला है, बहुत मेकअप डाला लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? कौन कौन करता है मेकअप? आप खुद करते हो? सही है। अभी मैं पी रहा है रेड बुल, बहुत नींद आ रहा है यार। ये काला वाला मत डालना भाई यार, क्या तू भी यार। So hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is another morning and yesterday I came here in Ahmednagar और रास्ते में एक मतलब हाईवे में एक होटल मिला मेरे को, हाँ, और इधर ही रुका है और मेरा सब सामान रेडी हो चुका है, देखो, और पीछे एक बैग है और ये टूल किट है अपना, तो ठीक है इसको माउंट करते हैं बैग में फटाफट, उसके बाद आपको मिलता है। चल भाई चलो अंकल, चलो पेमेंट वगैरह हो गया, इधर रूम का 900 लिया था कल, क्योंकि इधर सस्ता वाला होटल ही नहीं मिलता यार, और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है इधर अभी, तो देखो थोड़ा थोड़ा नहीं अभी ज़्यादा हो रहा है, एक बार राइड स्टार्ट किया तो ऐसे ही होता है। सुबह 6 बजे उठा तो बारिश नहीं, तब मैं तो सोच रहा था कि मस्त करके आज घूमेगा औरंगाबाद, पर कोई बात नहीं, इधर से औरंगाबाद अभी 100 किलोमीटर रहेगा जैसे ज़्यादा। लास्ट टाइम जो मेरा लॉकेज था ना, वो वाटरप्रूफ नहीं था, इसके लिए मैं जो वाटरप्रूफ लेके आया और ये भी वाटरप्रूफ लिया, और थोड़ा ये भी बम के लिए, हाँ, और तो सब पुराना ही है। अभी जो औरंगाबाद वाला हाईवे है ना, ये इधर से जाना पड़ेगा, मेरा चेन को भी लूप करने का था यार। मेरा ब्रेकफास्ट और आफ्टर 1.5 आवर राइडिंग, अरे पूरा भूख लग रहा था यार। थैंक यू। अभी तो जा रहे हैं मैं वापस घर, वेस्ट बंगाल। ओके सो गाइस, अभी ये वाले जगह पे ब्रेकफास्ट हो गया, भेल और 2 कप चाय पिया। कल ही मेरे को मैसेज आया था कि मतलब मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया, पब्लिक बाहर ना निकले क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरदार होने वाला है और रोड वगैरह बहुत ब्लॉक होता है ना उधर। सो गाइस, और एक बार फिर बारिश चालू हो गया इधर, इसको ये बारिश को क्या करूँ मैं। ये देखो भाई साहब, ई का है पूरा चेयर लगा के बैठा है भाई। और इधर से 5 किलोमीटर है अपना औरंगाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और ये औरंगाबाद है भाई लोग, औरंगाबाद हम लोग आ पहुंचे हैं। वो केदारनाथ जाना है ऐसी गाड़ी पे, हाँ, तो कैसी प्रोसेस रहेगी, कहाँ से जाना पड़ता है? प्रोसेस क्या करने का, बाइक निकलो, बाइक लो, निकल जाओ। कहाँ से लेनी पड़ती बाइक? ये बाइक तो मेरा है ना। तुम्हारा बाइक? हाँ। तो ये सब अपना अपना लेना पड़ता है? हाँ। नहीं अच्छा लगा दूर से। हाँ, गैरेज ढूंढते ढूंढते, वर्कशॉप ढूंढते ढूंढते एक भाई को मिला। वो भाई बोलता है मेरे को पीछे पीछे आओ, मैं पहुँचाएगा, ये वाला भाई साहब। एक्चुअली चेन वगैरह ना लूप करने का था, लूप स्प्रे वगैरह। हाँ स्प्रे, कितने मिलेगा वो भाई जी? आपको भाई चेन लूप है क्या? चेन लूप? हाँ, कौन सा वाला है? मोटुल का है क्या? मोटुल का स्टॉक खत्म हो गया मेरे पास। अरे यार कैसा है, ठीक है ये? हाँ अच्छा, इसलिए रखा हुआ मैक्सॉल का 150। बढ़िया, आप ठीक हो? क्या है ये? तो कैमरा है, बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है। अभी कहाँ जा रहे हैं? कितना सुंदर देख रहे हैं, बहुत मेकअप डाला, हाँ बहुत मेकअप डाला लगता है। हाँ आप कहाँ जा रहे हैं? कौन कौन करता है मेकअप? आप खुद करते हो? सही है। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहा है मैं नागपुर, गाड़ी
ठीक है ना, चल चल। पीछे का तो हवा हो गया लगता है इसका, अभी काटी वाटी तो नहीं घुसा ना भाई। कितना छेद है, एक ही है क्या? पंक्चर हो गया फिक्स अभी। ये तो काट के तो नहीं दिया भाई, बोलता है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होएगा। जलना करके जगह है एक, महाराष्ट्र में आता है, और अभी मैं पी रहा है रेड बुल। बहुत नींद आ रहा है यार, बात नहीं। अभी इधर से नागपुर और मेरे को लगेगा 6-7 घंटा। देखो भाई हालत। गाइस अभी जलना करके जगह से हम लोग निकल रहे हैं आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खाली रेड बुल वाला ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक था। और अभी हम लोग फिर इधर से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बारिश भी नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं कैमरा डाल दिया। पूरा भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा जगह रखना, नहीं तो ऐसा करेगा ना तो गिर जाता है। लीटर का 108 रुपये, यूपी में बहुत सस्ता है, 97। इधर से पूरा 375 किलोमीटर है नागपुर, ठीक है, तो 375 बोलेगा तो 8 घंटा और लगेगा मेरे को इधर से। ओह माय गॉड, भूख लग रहा है भाई। कितना भाई केला कैसे दिया? 40 रुपये का कितना? हाँ 12, 6 देना, 6 बस। अकेला है यार, बस बोलते हैं। अच्छा वाला दे भाई, अच्छा वाला दे दो, ये तो मैं छान के देता हूँ। ये काला वाला मत डालना भाई यार, क्या तू भी यार, डालना मस्त कर। हाँ हाँ अच्छा वाला डाला भाई। तुम खा रहे थे? अच्छा मैं दार्जिलिंग से, सुना कभी दार्जिलिंग सुना? चल कोई बात नहीं, दार्जिलिंग करके भी एक जगह है। हाँ दार्जिलिंग करके भी एक जगह है, वही बोल रहा हूँ। और गाइस इधर मैं बैठा है, इधर पूरा खेत है, इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर देखो। हाँ इधर बैठा है, फ्रेश एयर ले रहा है, इधर धूल वूल धूल मिट्टी भी नहीं उड़ रहा है, और भूख भी लग रहा है, तो केला खाएगा। तो दूसरा फ्रूट भी खाने का मन कर रहा था, पर कौन धोएगा है कि नहीं, केला इज द बेस्ट। ओके सो गाइस, 6 केला खा लिया मैं, पेट भर गया। अभी केले से गुजारा करना पड़ रहा है आजकल, पर कोई नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट टाइम में मुंबई जाने के टाइम पे, जो लास्ट दिन में रास्ते में कुछ मतलब ऐसे पराठा खाया था, वो 3-4 दिन तक डायरिया हुआ, पेट खराब किया। इसके लिए आई विल ट्राई टू अवॉइड द हाईवे फूड। दरवाज़ा पकड़ के दरवाज़ा के बाहर भी पेड़ लटका के बैठे ले थे। सही है भाई, जुगाड़ जुगाड़। आगे भी 5 जन, क्या आगे फ्रंट सीट में 5 जन डाल के पीछे बैक सीट में कम से कम 8 जन रहेगा। बाप रे, देखो जबरदस्ती जबरदस्ती भाई जबरदस्ती, ऐसा मत करना भाई, क्या कर रहे हैं तुम लोग, मार डालेगा क्या मेरे को। ओवरटेक करते हैं उधर से, कितना बार हो चुका है यार, कैमरा ऑन नहीं था यार, आप लोग को दिखाता था, आप लोग भी डर जाता है। कोई हेलमेट नहीं पहना है अभी तक, सुबह से भी देख रहा हूँ कोई हेलमेट पहन के तो कोई है ही नहीं। और ये जो कपड़ा बांधते हैं ना मुंह पे सर पे, वो क्यों बांधने का क्या मालूम, स्टाइल रहेगा पर दिस इज़ नॉट सेफ। देखो कोई कोई नहीं पहना है, देखो कोई नहीं पहना है, चौंक गया भाई मैं। सुबह से, हाँ सुबह से देखो इतना दूर दूर से आ रहा है बाइक लेके, पर कोई हेलमेट नहीं पहना है देखो। तो भाई अभी थोड़ा स्पीड पकड़ने को मिल रहा है अपने को, क्योंकि उतना जाम वाला रास्ता नहीं अभी तो। अभी 120 स्पीड में स्पीड पकड़ने को मिल रहा है अभी ये टाइम में। हाँ पहले से ऐसा पकड़ने का मतलब मैं नागपुर पहुँच रहा था, पर कोई बात नहीं, नागपुर तो पहुँच नहीं पाएगा लगता है आज। और फिर रास्ते में ना इतना नींद भी आ जाता है यार कभी कभी ना। ओके सो गाइस,
फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया था, पावर बैंक डाल दिया उस पर और पानी वानी पिया। चलो थोड़ा आगे, टाइम हो चुका है 5:15, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं 5:30, तो अभी 1 hour and 15 minutes इतना राइड करेगा, उसके बाद कौन सा भी जगह रहने दो मेरे रुकेगा उधर ही। गाय माता लोग पूरा रास्ते पे, अब एक्चुअली ये लोग को घर वापस आने का टाइम हो गया, ये लोग दिन भर वो घास खाने के लिए खेत पे इधर मतलब फील्ड में जाता है। हाँ अभी घर अपना अपना घर वापस आने का टाइम हो गया ये लोग का। गाय माते और कुत्ते के साथ ना बहुत मेरा मेल मिलाप है पहले ही से ही, और कुत्ता मेरे ऊपर भूखता रहता है, पीछे पीछे भागता है मेरा बाइक का, और गाय माते लोग ब्लॉक करता है ऐसा। भाई लोग फिर बारिश चालू हो गया, अभी आगे जाने से अच्छा पीछे जाएगा, क्योंकि पीछे बारिश नहीं हो रहा था, पीछे जाके उधर होटल देखेगा सामने में। हल्का हल्का बारिश होना चालू कर दिया, पीछे तो नहीं है बारिश पर, हाँ खाली इधर है बारिश। कानोबा वाइन बार, भाई होटल के लिए रूम के लिए रूम बैठे, हाँ बैठला बैठते मतलब हिंदी रूम मिलती में बड़ा तू मिलते हैं, दिखाओ तो एक बार। चलो हाँ फिर ये रूम है, सब सही के रूम है अपने, ऐसे ही सेम सिंगल वाला नहीं है, सिंगल रूम नहीं है। कितने का आता है? नो एसी बिना एसी का। कितने का? 700 रुपये का रूम बोल रहा था, मैं बोला मैं सिंगल रहेगा तो थोड़ा कम कर बोलेगा, तो वो 600 रुपये लास्ट बोल रहा था, मैं 550 बोला उसको, ठीक है कोई बात नहीं। चलो सामान निकालते हैं फिर रूम पे।